हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि सिविल से इंक्वायरी कैसे जो है आप 7 दिनों के अंदर रिमूव कर सकते हैं। आज से करीबन 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे जो है आप अपने सिविल से वो एंट्री रिमूव कर सकते हैं जो आपने कभी की ही नहीं है, या वो लोन अकाउंट जो है आप रिमूव कर सकते हैं जो लोन आपने नहीं लिया है। तो करीबन करीबन उस वीडियो को जो है 1,10,000 लोगों ने देखा भी है। उसी में ही काफी सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था, तो उसी को देखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप 7 दिन के अंदर जो है अपने सिविल रिपोर्ट से या सिविल क्रेडिट रिपोर्ट से जो है आप नेगेटिव एंट्री, या अगर आप कोई नेगेटिव एंट्री जो है ऐसी अपडेट हो चुकी है जो आपने कभी की ही नहीं है, या कोई लोन अकाउंट नंबर जो है आपका गलत शो कर रहा है, मतलब वो लोन आपने कभी लिया ही नहीं है, या कोई इंक्वायरी शो कर रही है, तो उसको कैसे आप जो है रिमूव कर सकते हैं वो भी 7 दिनों के अंदर। दोस्तों यहां पर दो बातें हैं। पहली बात कि अगर आपने जेन्युइन अगर आपने किया हुआ है, अगर मान के चले कि आपने इंक्वायरी की है, आपने किसी ऐप पे जो है इंक्वायरी की हुई है, तो वो रिमूव नहीं होगा। भले ही आप कुछ भी कर लीजिए वो रिमूव नहीं होता। अगर 1% अगर आप कैसे भी करके करवा भी लेते हैं तो वो खुद जो है 1 महीने के बाद फिर से जो है अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर उसी को आपको ज्यादातर मतलब डिस्प्यूट रेस करना है, या अगर आपको रिक्वेस्ट रेस करना है, तो उसको कीजिए कि जहां पर आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी गलती है, अगर आपने इंक्वायरी की हुई है या लोन अकाउंट नंबर आपका दिखा रहा है, तो अगर वो जेन्युइन है तो वो रिमूव नहीं होगा। अगर आपका जेन्युइन नहीं है, वो गलत दिखा रहा है, तो उस केस में आपको दोस्तों एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले दोस्तों आपको सिविल के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो जाना है। अब रजिस्टर्ड कैसे होना है उसके लिए मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, और वीडियो भी पहले मैंने बनाया है उसके ऊपर, आप चाहे तो दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ताकि जब आप डिस्प्यूट रेज करें, मतलब फोन करके उनको जो बताए इस प्रॉब्लम के बारे में, तो कम से कम जो है वो आपके जीमेल आईडी या आपका कंट्रोल नंबर से जो है वो उसके ऊपर टिकट रेज कर पाए। तो इसको करना क्या होगा, पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। जैसे आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपके पास एक कंट्रोल नंबर आ जाता है, या आपकी जो जीमेल आईडी वही आपकी यूजर आईडी बन जाती है जो आप जीमेल यूज करते हैं, तो वो जीमेल आईडी अगर आप बताएंगे तो अगर उनके कस्टमर केयर से आप बात करते हैं तो वो आपको वहां पर सही गाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप रजिस्टर्ड हो गए फिर उनके कस्टमर केयर से बात करना है, और कस्टमर केयर से कैसे बात करना है मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। उसका कस्टमर केयर नंबर भी आपको उस वीडियो पे मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा कि अगर कस्टमर केयर पे आप कॉल कर रहे हैं तो क्या क्या आपको टाइप करना है, ताकि डायरेक्टली जो है कस्टमर केयर से बात हो पाए। जैसे आप उनसे बात करेंगे दोस्तों, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा उनको कॉन्फिडेंटली बोलिएगा कि हमको पता है कि 7 दिन के अंदर जो है इसको रिमूव किया जा सकता है। काफी लोगों ने किया भी है, 7 दिनों के अंदर अंदर जो है उनके सिविल से जो नेगेटिव एंट्रीज थी, या जो उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं था, या इंक्वायरीज कभी की ही नहीं थी, वो रिमूव हो गई। जेन्युइन जो है अगर आपने किया हुआ है वो रिमूव नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया है फिर भी आपके सिविल पे शो कर रहा है, तो उसको आप इजिली 7 डेज के अंदर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा उनको कि ये आपको हमको पता है कि ये 7 दिन के अंदर आप रिमूव करवा सकते हैं, टिकट रेज आप कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप उनके कस्टमर केयर से बात कीजिए और उनको पूछिए कि क्या 7 डेज के अंदर इसको आप रिमूव कर सकते हैं, तो वो खुद हाँ बोलेंगे। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि काफी लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया और बोला सर इस तरीके से भी मेरा जो है रिमूव हुआ है। तो मैंने उनके कस्टमर केयर से भी बात की, सिविल के कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने भी बोला कि हाँ सर अगर बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो हम यहाँ से टिकट रेज करते हैं, आगे जिस कंपनी से आपका गलत अकाउंट नंबर शो कर रहा है या गलत जो भी इंक्वायरी शो कर रही है, तो वो हम 7 दिनों के अंदर अंदर रिमूव करा देते हैं अगर आपकी गलती नहीं है तो। दोस्तों यहां पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिविल के वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कर लीजिए। वहां पर लॉगिन करने के बाद आपको कंट्रोल नंबर दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर मेरा जैसे कंट्रोल नंबर दिखा रहा है, तो कभी कभी वो कंट्रोल नंबर मांगेगा। अगर आपके पास कंट्रोल नंबर नहीं है तो आप अपना जीमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड कराया है वो आप बता दीजिएगा, और जब आप उनको बताएंगे तो आप उनको ये बताइएगा कि जो जो आपकी गलती आपको दिखा रहा है कि ये लोन अकाउंट नंबर मेरा नहीं है या इंक्वायरी नहीं है, तो आप उनको ये चीज अपडेट कर दीजिएगा कि ये जो है मैं यहाँ पर इसका कभी ना इंक्वायरी किया है ना ही कभी कोई लोन लिया है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि वो आपका डिस्प्यूट रेज नहीं करते हैं, डिस्प्यूट आपको रेज करना पड़ता है, वो आपका एक टिकट रेज करते हैं, मतलब वो आगे कंसर्न टीम को भेजते हैं कि ये लोन अकाउंट नंबर जो है इस कस्टमर का नहीं है तो इसे रिमूव किया जाए।
तो 7 डेज के जांच पड़ताल के बाद जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन यहां पर एक और बात है दोस्तों कि जब भी आप उन कस्टमर केयर पे कॉल बैक करें, तो मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंटली उनको बोले कि ये 11 अकाउंट नंबर मेरा नहीं है या इंक्वायरी मैंने की नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसको रिमूव किया जाए। मेरे को पता है कि 7 दिन के अंदर ये रिमूव हो जाता है और काफी लोगों का हुआ भी है। आप उनको अगर इस तरीके से बोलेंगे कि हाँ ये 7 डेज में मेरा फ्रेंड का या जो है रिमूव हुआ है, या मैंने काफी लोगों से सुना भी है कि 7 डेज में रिमूव हो जाता है, तो 110% दोस्तों आपको भी जो है हेल्प मिलेगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले कस्टमर केयर से आप बात कर लें। कस्टमर केयर से बात करने के बाद जो है आप उनको जो है बताएं कि इस तरीके से जो है मेरे सिविल रिपोर्ट पे शो कर रहा है, जो आज तक मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं है, या अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या जो भी चीज आपको गलत बता रहा है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो उससे जो है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।